लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर की स्थापना तरंग क्रॉसिंग के निकट होटल कमल इन में किया गया, जिसका उद्घाटन पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, रामजीवियन मौर्य, विश्वजीतांशु सिंह, आंसू प्रतीप शुक्ल, हिमांशु श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के केंद्र की मोदी सरकार व राज्य में योगी सरकार ने लोक कल्याण के व राष्ट्र हित के लिए जितने भी कार्य किए हैं, उनको अगर सही ढंग से प्रचार प्रसार हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बनेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व स्टार प्रचारक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, विश्व वेद हम भद्रम ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तः शान्तिः बोले गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा है। आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, विभिन्न प्रकार के समाज में काम करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता आएंगे, तो मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कुछ ऐसी मीटिंग करना, इसके दृष्टि से यह कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे गोरखपुर क्षेत्र के जो लोकसभा के गोरखपुर लोकसभा के संयोजक हैं रामजी अनमोर जी, हमारे प्रदेश से ओपी मिश्र जी, जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, हमारे गोरखपुर महानगर और क्षेत्र के सभी यहाँ पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी आ जाए हैं। मीडिया सेंटर की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है और जब लोकतंत्र का ये महापर्व है तो विभिन्न प्रकार के व्यापारी, सामाजिक संगठनों के लोग मीडिया सेंटर के माध्यम से अपनी बातें समाज में बताएंगे कि किस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए ज़रूरी हैं, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, कार्यक्रम होंगे, उसके दृष्टि से यह आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और ये 19 तारीख तक लगातार आवाज़ से लेकर के 19 तारीख तक, जब चुनाव तक, ये मीडिया सेंटर काम करता रहेगा।